हमारे बाबा बना रहे हैं। तोरी की सब्जी जो बना रहे हैं बहुत आसान है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मुनीर इकबाल हाजिर है एक दफ़ा आप लोगों की खिदमत में फिर। तो आज दिवस जो हम बनाने वाले हैं वेजिटेबल की सब्जी जिसका नाम है तोरी। तोरी की सब्जी बनाएंगे जो बनाने में इंतहाई आसान है, बहुत लजीज बनती है। तो आइए देखते हैं कैसे बनती है तोरी की सब्जी और किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हमें। आधा किलो तोरी, 8 से 10 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, 4 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के, सब्ज धनिया, 2 अदद सब्ज मिर्च, इन सब को काट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज को बारीक बारीक काटना है इस तरीके से। अभी टमाटर को काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटर को भी बारीक बारीक काटना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज और टमाटर कट चुके हैं। अभी तोरी को काटेंगे। तोरी के सबसे पहले सारे हटाने हैं और इसका छिलका उतारना है। और इसको क्यूब्स की शक्ल में काटना है। ये बहुत ही हेल्थी वेजिटेबल है और खाने में भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। अभी एक अदद सब्ज मिर्च, इसको भी बारीकी से काट देना है। बनाने में बहुत ही आसान है, 10 से 15 मिनट में ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है। पंजाबी में इसको कंडोरिया भी कहते हैं। तो पैन हम लोगों ने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। ऑयल डालेंगे 1 कप। घी गर्म होने के बाद प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज डाल दिए। प्याज की अच्छी तरह से भुनाई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढक्कन रख देंगे और प्याज को थोड़ा सा नरम होने देंगे, तो थोड़ा सा स्टीम से प्याज नरम हो जाए। 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह देखें, अल्हम्दुलिल्लाह प्याज काफ़ी नरम हो चुके हैं। अभी इसमें टमाटर ऐड करेंगे। कुछ मसाले ऐड करेंगे। अभी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, इन सब मसालों की अच्छे से भुनाई करनी है।
नमक हसबे ज़ायका जितना आपको पसंद है, कोई ज़्यादा खाता है कोई कम खाता है नमक तो अपने हिसाब से डाल लें। और टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे कि थोड़ा सा नरम हो जाए। बिस्मिल्लाह ढक देंगे एक 3-4 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी टमाटर हमारे गल चुके हैं। बिस्मिल्लाह और अच्छे तरीके से मसाला भी भुन चुका है। अभी इसमें ऐड करेंगे तोरी। तोरी को अच्छे से गलने के लिए छोड़ेंगे। पानी का इस्तेमाल इसमें बहुत कम होता है, पानी हाफ कप डाल दें क्योंकि तोरी के अंदर अपना पानी होता है, वो अपने पानी से गल जाती है, नरम हो जाती है, तो पानी बहुत कम डालें। और 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। 10 मिनट में इंशाल्लाह ये तोरी गल जाएगी। बिस्मिल्लाह 10 मिनट के बाद इसको देखेंगे क्या पोजीशन। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तोरी गल चुकी है और कलर भी ज़बरदस्त आ चुका है। तो दोस्तों वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके लाइक और कमेंट्स करने से मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, यह आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार है, मेरी हौसला अफजाई है। थैंक यू। तो अभी देखते हैं क्या पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तोरी रेडी हो चुकी है। मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाह धनिया वो भी गार्निश के लिए थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे। बिस्मिल्लाह तो दोस्तों हमारी आज की तोरी सब्ज़ी जो है रेडी हो चुकी है। अभी इसको फ्लेम ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं और डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की तोरी सब्ज़ी रेसिपी मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करता हूँ रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और अजीज़ों से आगे शेयर कर दें। इसके साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला का आप पे खास करम हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।